हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडियंस में किस लेवल की इंसानियत है आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। दिस इज हाउ इंडियंस गिव वे टू एम्बुलेंस। मतलब एम्बुलेंस जब गुजर रही हो और लाखों लाख जश्न मना रहा होता है, तो किस तरह भारतीय लोग इंसानियत को पहले रखकर एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, आज इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो देखो भाई, फुल जश्न चला हुआ है, वो एम्बुलेंस फेस्टिवल मना। अब देखो लोगों को, देखो लोगों को, रास्ता बनना चेक करो यार, रास्ता। ये फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है। वो देखो ढोल ताशा वाली भी साइड पे हो रहे हैं, सारे वो ढोल। ये मुंबई है, ढोल ताशा वाले देखो साइड पे हो रहे हैं, देखा है? हाँ देखा है, चेक करो भाई, लोगों को रास्ता देना है। वो तो लोग हटते जा रहे हैं, सच में महान देश है यार, महान देश है। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख रास्ता बना कैसा है, देखा? अरे सच में एक महान देश है यार, मैं क्या बोलूंगा। देखो रास्ता बना है कि नहीं, अलग है, अलग है। इस राष्ट्र से गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो कुछ बोल भी रहे हैं, हाँ। रास्ता बोल, वो कह रहे हैं खाली करो, खाली करो, जगह बनाओ। हाँ वो लोगों की यार भाई, देखो फिर, हाँ किस तरीके से सारा रास्ता बन गया। ये गई निकल गई, अलग है। ऐसी जगह से ट्रैफिक निकलने का आप सोच ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हाँ ये देखो भाई जा रही है वो। हाँ हाँ यार, लोगों को मानना पड़ेगा यार। हाँ गणेश, ये गणेश चतुर्थी है शायद, गणेश उत्सव था। वाह यार, इंडियंस इंडियंस है भाई। ये कोई बीजेपी की रैली थी भाई, हाँ। उसके अंदर भी कौन सी जगह है? और छोड़ो ये देखो आप, वाओ यार, रास्ता चेक कर। भाई क्या रास्ता बनाया यार लोगों ने, यार यार इंडियंस लेवल है यार तुम लोगों का यार। फिर मिल गए, हाँ ये देख, ये देखो इधर फिर रास्ता बनाया भाई, लोग आगे से कह रहे हैं हटो। हाँ भाई ये चेक करो भाई, रास्ता चेक कर, लोग फिर मिल गए यार भाई, यार कमाल है यार। और मैंने सुना इंडिया में एक्ट है कि अगर आप रास्ता नहीं दोगे ना, हाँ। तो आप पे फाइन भी हो सकता है। गाइस बताना ये, हाँ। मैंने सुना है, ये देखो रास्ता, रास्ता चेक कर, लोग आगे आगे आ रहे, कह रहे रास्ता आगे से, लोग रास्ता बनाई जा रहा है, देखो पीछे वो रास्ता फिल गैप होता जा रहा है फिर से। हाँ और ये फेस्टिवल हो रहा है, और तुम्हें पता है फेस्टिवल में रास्ते नहीं मिलते। ये देख रास्ता चेक कर यार, सल्यूट है यार इंडियंस, रास्ता चेक कर। वो खुद जश्न मना रहे, देख खुद एम्बुलेंस आ रही है। वो देखो भाई, वो देख आगे आगे बाइक वाला जा रहा है, बता रहा है वो तरक्की कैसे करता है। इंडिया से सीखो भाई, इंसानियत किसको कहते हैं, भारत से सीखो भाई। भागो झंडे हैं सारे, इसको बोलते हैं इंसान की जान की कदर करना, कदर करना जो इंडिया में की जाती है भाई। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, कमाल। कमाल भाई, मैं खो गया हूँ वीडियो के अंदर। ये देखो पीछे से कोई हॉर्न की आवाज आ रही है, हाँ।
रास्ता चेक कर, ये चेक कर सकते हो गाइस, ये दे आप चेक कर सकते हो, ये हाँ ये उस दिन मरीन ड्राइव पे हुआ हो रही थी, आंखें खुल गई है इस वीडियो को देख, सच में ये देखो इससे बड़ी तो कोई राश नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। और उसके अंदर एम्बुलेंस कैसे जा रही है भाई, रास्ता देखो लोग कैसे दे रहे हैं, वो दे रास्ता बंद कैसे रहा है, सल्यूट है यार, आगे और अलग की गाड़ियां फंसी हुई हैं, फंसी हुई है, दूसरी रोड पे जा रहे हैं, और दूसरी रोड पे जा रहे हैं, अब उधर से रास्ता बन रहा है, हाँ। अब वो और अलग की गाड़ियां फंसी हुई हैं, उनको रास्ता कोई नहीं मिल रहा, हाँ। लेकिन देखो भाई एम्बुलेंस की इज्जत, वो देखो निकल गई है, रास्ता बन गया, वो गई किस तरह गाड़ी, वो ये लोग रास्ता दे रहे हैं भाई, एम्बुलेंस जा रही है, तो कितना फास्ट रास्ता दिया गया, फॉर इन ओनली 5 hours, great, well done फॉर मैन, 418 किलोमीटर कह रहे हैं, 418 किलोमीटर, ये वो तो नहीं है यार, वो जिसमें बच्चे की जान बचाई थी, बच्चे का दिल लेकर, हाँ ये वही है, वही है, लोगों ने रास्ता कैसे दिया, मतलब 418 किलोमीटर 5 घंटों में सिर्फ कवर किया भाई, ये 3 साल पहले हमने इस पर रैक भी किया था गाइस, बहुत बड़ा वो चर्चा बनी, हाँ भाई गोली की तरफ भाई, ये रोको का रास्ता देना चेक कर, ये मुझे कोई केरला साइड लग रही है, नहीं भाई साउथ इंडियन साइड है, हाँ वो दे दरख्त भी हटाया है, फौरन उस फसल में से दरख्त हटाया है, ये कोई फेस्टिवल चल रहा है, कमाल है, उसको साइड में कर रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को देखो यार, हाँ ये देख दरख्त हटा रहे हैं, मतलब गिरे हुए वो साइडों पे कर रहे हैं, ये देख हटाओ बे, वो कह रहे हैं दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है भाई मेरे, ये इंडिया है, सल्यूट है यार, वो देखो साइड पे कर रहे हैं, हटो गाड़ी आ रही है, हटो, क्या इंसानियत है इन लोगों में, ये दे ऐसे रश में घंटों गाड़ियां फंसी रहती हैं, कह रहे आओ ऐसी यार, वीडियो यार सबसे पहले दोनों हाथों से सलाम भाई लोग, तुम लोगों को सीरियसली देखो, एक कहते हैं इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है यार, और इंसान की कदर इंडियन से सीखो, इंडियन से सीखो, किस तरीके से जाते हैं यार, आप लोगों भी जब गाड़ी कभी चला रहे होंगे आप भाई, लोगों हाँ। मुझे ऐसे गूज़बम इस वीडियो को देखकर मिले, मैं आपको बता मेरे यकीन करो सर तक गूज़बम मुझे महसूस हुए, बिल्कुल। अच्छा एक आपसे क्वेश्चन है, कभी आप कोई फेस्टिवल मना रहे हो या कभी आप किसी भीड़ में फंसे हो और आप लोगों ने देखा हो कि किसी लोगों ने मतलब उनको एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दियो, जहां पर मतलब आगे जाना मुश्किल हो और लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, वो अब मोमेंट अगर कोई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन मतलब कोई लाइफ ना हो तो वाकई में, और यार सल्यूट इंडियन लोगों को यार, जिस तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, आजकल इतनी भीड़ होती है, हर एक को जल्दी होती है, कहते हैं सबसे पहले अपना काम, लेकिन किसी इंसान के लिए वो काम छोड़कर साइड पे हो जाना, वो सबसे बड़ी जो है ना इंसानियत है मेरी नजर में यार, इंडियंस का जो दिल है वो क्यों कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यार तुमने एक देखा है फेस्टिवल चल रहे हैं इंडिया में, हर किसी का आप इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस देखो या देखो ना, वहाँ पर इंडियंस ने लाजमी लिखा होता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मतलब इंसानियत, बिल्कुल। और तुमने एक और बात नोट की है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, रोड यूं खाली, और रास्ता कैसे बन रहा है ये,
और जहां पर पांव रखने की जगह नहीं है कैसे रास्ते बना रहे, कैसे रास्ते बन रहे हैं? ये देखना पड़ता है, ये देखना दुनिया देखती है कि यार इंडिया किस लेवल पर जा रहा है। मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है, इतना ये ब्यूटीफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक ब्यूटीफुल विजुअल थे जो आज हमने देखे। सही बात, आपको गाइस कैसे लगे? कमेंट में अपना कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो तो बता सकते हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।